खोल रहा हूँ, ठीक है। अंदर है कौन? कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई है नहीं। वो देख बिस्तरों पर निशान, देख बिस्तरों पर निशान, देख मुस्लिम दिन में नहीं थी निशान, दिन में निशान नहीं थी, देख दिन में नहीं थी ये स्मेल। मैं एक बात बताऊं, ये टॉक्सिक हो सकती है, ये जो स्मेल है ना अंदर, हमने किसी को सर मुझे डर है ईंटे ना गिर जाए ऊपर। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहसिन साथ वाला कमरा, साथ वाला कमरा, इधर कोई है, इधर कोई है, इधर 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 खोल खोल खोल। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? अरे मैं वहां था, मुझे इस दीवार के पीछे से आवाज आई है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो मैंने खुद सुनी, मैं वहां था, इस दीवार के साथ मुझे आवाज आई यार। इधर कौन है? बहुत हाई इंटेंसिटी। तो हमने तो कोई चीज भी नहीं हिलाई अभी तक यहाँ पे यार। यहाँ के बारे में कहते हैं आप? मिनट के लिए रुकने नहीं दे रहा है, बहुत हाई इंटेंसिटी में यहाँ पर एक्टिविटी। मैं बात नहीं कर पा रहा, मुझसे अंदर से किसी की आवाज आई है। यार ऐसे लोग पागल हो जाएंगे यार। यार पता है वो क्या रहा है? हम लोग यहाँ आते हैं तो आवाज उधर से आती है, ये देख रहे हैं, आप वहां से आ रही है। कोई नहीं है, उसे उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, असल नीचे है, नीचे। मेरे पास से आ रही आवाज बिल्कुल करीब आ गया था यार। ओए ओए ओए, बाहर कौन है? कौन हो? मुझे समझ नहीं है मेरे पांव के नीचे जमीन क्यों हिल रही है जब ये चलता है तो। ये हिल रही है जमीन, पूरी वाइब्रेट होती है जैसे जब ये चलता है। कोई नहीं है ऊपर, कोई नहीं है ऊपर। असद पहले अंदर से आवाज आती है, दरवाजे लॉक है, अंदर कोई है नहीं। मैं अंदर जाता हूँ, मुझे साथ वाले कमरे से आवाज आती है, मैं उसको जाके खोलता हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद मुझे साथ वाले कमरे से आवाज आती है, मैं उधर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ कोई नहीं आता। फिर छत से आवाज आती है, मैं वहां जाता हूँ, यहाँ से आवाज आती है, यहाँ जाता हूँ, वहां से आवाज आती है। और ऐसी आवाज आती है कि मेरे पांव के नीचे जमीन हिलती है, वाइब्रेशन होती है जब ये धप धप की आवाज आती है। जा अंदर जा। असद बाहर आ जा। असद टेम्परेचर निकालना। थोड़ी देर पहले हम इस वॉशरूम के अंदर गए, मैंने एक कदम रखा और मैं बाहर आ गया। अब मैं अपना ये टेम्परेचर जो है, थर्मामीटर कह रहे हैं, टेम्परेचर कह रहे हैं, जो नोट करता है कि अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। तो क्वेटा में इस वक्त अभी 17 टेम्परेचर शो कर रहा है इस टाइम पे रात को। और मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क आता है टेम्परेचर में। ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये कम होता जाएगा क्योंकि सर्दी है हवा। 16.5 हो गया, ठीक। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अल्लाह मैंने उस जगह में खूबसूरत खुबास। अभी मैं इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ, कुछ टाइम लेगा और टेम्परेचर शो करेगा अपना। ये बड़ा 17 हो गया, मुझे उम्मीद है ये और बढ़ेगा यहाँ पे।
देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। अच्छा टेम्परेचर का ना एक वाजे फर्क है यहाँ पर, मतलब हाँ। अच्छा ये बात जो है ना, वो एक बंद कमरा है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत फर्क है, लेकिन ये तो वही मैदान है और उसके शेड के नीचे आने से इतना फर्क कैसे आ सकता है। बाहर मैंने क्या टेम्परेचर नोट किया था, 16 समथिंग। अब कहाँ है आवाजें, वो दरवाजे के बाहर रहते हैं आवाजें आती हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले यही चीज नोटिस कर रहा था यहाँ पर। दरवाजा खोल देते हैं। गिरा क्या है? कोई है इधर सजात यार? औसत मौसम बाहर रहते हैं उस दरवाजे के। नहीं लिटरली जमीन तो इस तरीके से हिल रही है, ऐसे ऊपर भी कोई है और नीचे भी कोई है। जमीन के अंदर भी ना? जमीन के अंदर भी कोई है। उस कमरे के बाहर मैंने बात की है उनसे यार, मुझे जवाब आया, कुंडी लगी हुई है, मैंने खोला, अंदर कोई नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह मैं अंदर गया हूँ मोहसिन, मुझे यहाँ से आवाज आई है इस कमरे में से, बिल्कुल इस दीवार के पास से। दरवाजा बंद था ये, मैं आया उसकी, मैंने कुंडी खोली, अंदर गया हूँ, कोई नहीं यार। मैं इसके अंदर गया हूँ, मुझे उस कमरे से आवाज आई यार। ये क्या है, किस यहाँ यहाँ बिल्कुल पास आके वो पत्थर पर क्या आवाज आई है मुझे, लेकिन जैसी आवाज आई थी ना वैसे पत्थर या ब्लॉक नहीं था वो। उसके बाद मैं बैठा हूँ अंदर, मैंने चीजें हटाई, उनकी बदबू नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन कर मुझे महसूस हुआ मेरे अलावा भी उस कमरे में कोई मौजूद है। ये देख तुम यहां जाओगे आवाजें बंद हो जाएंगी, देखना। अभी तक दरवाजा बंद नहीं हुआ जो खोल के गए थे। ये देख यार, कौन हो? देखो हम थक रहे हैं, हम थक चुके हैं, हमें बर्तन बज रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं। क्या हुआ? वो देख मुझसे, वो देख तेरे सामने, वो देख रहा है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये सुन लो आवाज। हम वहां खड़े हुए थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी, उधर से आवाज आ रही है, यहाँ आ गया वही से आवाज आ रही है। ये टेम्परेचर नोट कर ले मोहसिन, इतना फर्क होता है? चले हमने आपको वर्बली बताया ना मौसम जो चेंज आता है, आज आपको हमने रिकॉर्ड करके दिखाया है। ये मैंने एक कदम रखा था उस वॉशरूम के अंदर, मैं बाहर आ गया था, इतना फर्क था जमीन आसमान के, किसी तंदूर में चले गए हो आप। और ये देखें आपके सामने, इसी वॉशरूम से पहले आवाजें आ रही थी। नहीं यार ये पता है, ये वो चीज नहीं है जो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, ये उल्टा और नुकसान पहुंचाने वाला। इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बेसमेंट तक, इस घर की अंदर भी बस चुकी है ये मखलूक जो भी है। इसका एक्सेस हर कोने पे है इस घर के, छत पे, दीवारों में, जमीन के अंदर, हर कमरे में यार। इस जगह वक्त गुजार कर गैर मरी मखलूक को वाजे तौर पर महसूस किया जा सकता है, जो हमने किया भी। अब वो यहाँ क्यों है? क्या वाकई उसकी वजह उन चींटियों को जलाना था या कोई और अमल? ये हम वसूख से नहीं जान सके, क्योंकि उस मखलूक ने हमसे कोई बात नहीं की, ना सुनी, और माननी तो दूर की बात।
जब जब उसने खुद को जाहिर किया, कभी किसी आवाज की शक्ल में, कभी अपने वजूद की गर्मी को महसूस करवाकर, और कभी जमीन के अंदर जाकर। इस घर के अंदर नहीं, इस घर के बेसमेंट तक, इस घर की अंदर भी बस चुकी है ये मखलूक जो भी है। इसका एक्सेस हर कोने पे है इस घर के, छत पे, दीवारों में, जमीन के अंदर, हर कमरे में यार। जी हाँ, आज से पहले हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी थी जहाँ जमीन के नीचे से आवाजें महसूस हों, और ऐसा यहाँ कई बार हुआ। हमारे साथ यहाँ जो जो वाकयात हुए, मैं चाहूंगा आप उन्हें दोबारा देखें और खुद फैसला कीजिए कि वो क्या है। ओह माय गॉड, अरे 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 अरे, क्या हुआ? वो देख, बड़ा बर्तन गिरा है। ये लोग अंदर आए, मुझे समझ नहीं आई मेरे पाँव के नीचे जमीन क्यों हिल रही है जब ये चलता है तो। नहीं, लिटरली जमीन तो इस तरीके से हिल रही है, ऐसे ऊपर भी कोई है और नीचे भी कोई है।